सो अब मेरे साथ है, ये है मोहब्बतें की एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, और उनका नाम भी मिहिका, कैरेक्टर का नाम भी मिहिका, लेकिन आज आपको मिलवाने वाला ओरिजिनल मिहिका वर्मा से, जो आज हमारे शहर इंदौर में और हमारे शो में। कैसा लग रहा है इंदौर आकर? बहुत अच्छा। काफ़ी बार आई हूँ इस सिटी में एज अ मॉडल, फैशन शोज करने आती थी, बट एज एन एक्टर पहली बार आई हूँ। और लोग पहचानते हैं एयरपोर्ट पे, फ्लाइट पे, इतना अच्छा लगता है यू नो, क्योंकि जब पहले आती थी शहर में तो कोई जानता नहीं था, और अब लोग नाम से जानते हैं, और वो भी नाम जो कैरेक्टर का मेरा ही है, तो इतना अच्छा लगता है। आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज अगर हम नॉर्मल देखते हैं, जितने भी डेली सोप्स आते हैं, अधिकतर घरों में स्मृति ईरानी जी को तुलसी के नाम से आज भी जाना जाता है, लेकिन आपका नाम मिहिका है और आपको उसी कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है, तो इट्स अ रियली बिग एडवांटेज। लेकिन मुझे बताएं कि फ्रॉम एन मॉडल टू सुपर मॉडल एंड टू सुपर मॉडल, आपको एक्टर की जर्नी कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग रही, कैसे ऐसे माइलस्टोन्स आए जो आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग आप याद रखेंगी? जब आप मॉडल होते हैं ना, लोगों को लगता है कि मॉडलिंग करना बहुत आसान है, रैंप पे आके वो एक एक्सप्रेशन देना, बट मैं कहती हूँ कि वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप आउटफिट संभाल रहे हो, लोग आपको ऐसे देख रहे हैं, ऑडियंस आपको ऐसे देख के पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक एक्सप्रेशन देना है कि आप कॉन्फिडेंट हो। ऑफकोर्स वो एक्सप्रेशन देते देते आप थोड़े से स्टिफ हो जाते हो। तो जब मैं एक्टिंग में आई, एक होता है ना मॉडल्स कॉन्टैक्ट, वो एक मेरे सर पे था आई थिंक, तो थोड़ी सी मुश्किल होती थी शुरू में, बट जो मेरे डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और आई वुड से कि मुझे ग्रिल किया कि करना पड़ेगा। एंड यू नो, जब आप डेली शो की रूटीन में आ जाते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको सीखना ही पड़ता है, तो आई थिंक मैं बस सीख गई। सो ये है मोहब्बतें आपके लिए क्या एक टर्निंग पॉइंट रहा आपके करियर के लिए, बिकॉज अभी तक आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव रोल निभाती आ रही थी, सबके सामने जब भी घर की गृहिणी आपको देखती थी, अरे ये तो नेगेटिव रोल है, अरे ये तो गंदी है, ये तो गंदी है, लेकिन जब आपने ये है मोहब्बतें में जो कैरेक्टर निभाया, दैट इज़ मिहिका, जो कि एक पॉजिटिव रोल है, तो क्या लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा और कितना चेंज रहा आपके लिए ये चीज़? एक्चुअली क्या होता है ना, नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पॉपुलर नहीं होते, इन टर्म्स ऑफ लोग आपको सामने से आके आपसे बात नहीं करेंगे अगर आप नेगेटिव हो, क्योंकि उनको लगता है कि टीवी पे नेगेटिव तो पर्सनली भी नेगेटिव होगी। बट मैं कहूँगी कि जो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करती है वो लड़कियाँ सबसे अच्छी होती हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी हैं, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रही हैं, लाइक मैनी स्टार्स का होता है ना कि ओ आई एम अ स्टार, बट यू आर नॉट, यू आर बहुत डाउन टू अर्थ, दैट्स रियली गुड थिंग अबाउट यू। और मुझे बताएं कि कितना ज़्यादा मस्ती होती है, बिकॉज ऑन सेट्स हम देखते हैं जो बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ें होती है ना, लोगों को वो देखने में ज़्यादा मज़े आते हैं, तो अभी वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जब आप सेट्स पर होते हैं, जब शूटिंग नहीं होती है तो को स्टार के साथ मिलकर क्या प्रैंक करते हैं, क्या मस्ती करते हैं, तो क्या ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके साथ? एक्चुअली शो में मैं कहूँगी कि मैं मिहिर का जो कैरेक्टर है, वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था शो में, उससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ, और वो और मैं शैतानियाँ करते रहते हैं। इनफैक्ट जब वो सेट पे आता है, मैं कहती हूँ यू तो डोंट मिस मी ओनली, ये हमारा लोस का लाइन है, वो कहते हैं बट मी को आई मिस यू, फिर हम बैठ के बातें करते हैं, फिर सबकी केस लेते हैं। हमारे शो में जो रोमी प्ले करता है वो बहुत बड़ा शैतान है, वो जब भी मिलेगा तो बोलेगा मीका तुझे मुक्का मारूंगा, ऐसे मुक्का मारे क्या कर रहा है, बस प्यार आ रहा है, तो वो प्यार दिखाने के लिए मुक्का मारता है। और इशिता जो है वो सबको खिलाती रहती है, वो सब मतलब जगत माँ है सेट की, मतलब वो सबका ख्याल रखती है, बहू माँ बेटी सब कुछ, एक्चुअली वो रियल लाइफ में भी है। और हमको खाने का बहुत शौक है, मुझे और दिव्यांका को, तो सेट पे जो भी खाना आता है और जो भी बच जाता है मैं और दिव्यांका खत्म कर देते हैं। अच्छा, मतलब यू आर द बैकअप प्लान है, यू आर द बैक, नो नॉट अ गार्बेज, यू आर द बैकअप प्लान, जितना भी फूड है, जो टेस्टी फूड है जो रह जाता है हमें भेज दो, हम स्वीट तो हम ऐसे खा लेते हैं। और मैं कहूँगी कि रमन जो है वो सेट का आई वुड से उस्ताद है, मतलब वो आएगा अपना शॉट देगा, मूडी है बट बहुत लार्ज हार्टेड है। अगर आप सेट पे देखोगे कि सब लोग मिलके कुछ कुछ खा रहे, तो वो रमन की ट्रीट होगी। और अगर सेट पे किसी को ट्रबल है, जैसे मतलब किसी की बीवी बीमार हो गई, या मेरी गाड़ी एक बार खाई में मतलब यू नो गटर में गिर गई थी, तो उसने सबको बुला के उठा लिया, तो रमन इज़ द पर्सन जिसको आप मदद के लिए जा सकते हो। इशिता खाना पीना आपका ख्याल रखना, और रोमी मस्ती, और जो मिसेज अय्यर हैं, जो अगर आपको मम्मा एडवाइस चाहिए तो मिसेज अय्यर के पास जाओ, वो परफेक्ट मम्मा एडवाइस मिलेगी आपको। मॉडर्न मदर मतलब बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, वर्क प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स, सुना मम्मी सारी चीज़ें डिस्कस होती है, आप मुझे लपड़ मार देती हो इसी बात में, ना करा करो प्लीज़, अच्छा नहीं लगता। सो अब मुझे बताएं कि ये है मोहब्बतें, ये शो में जो आपके लिए एक चेंज हुआ है, वो चेंज आपके लिए क्या माइलस्टोन साबित हुआ है कि हाँ ये मेरे करियर में एक नए चीज़ को उड़ान दे सकता है, एक बूस्ट स्टार्ट हो
सकता है ये है मोहब्बतें मेरे करियर के लिए, आने वाले करियर के लिए? एब्सोल्युटली, क्योंकि जब मैं नेगेटिव रोल्स प्ले करती थी तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे पॉजिटिव रोल में कास्ट करेगा, क्योंकि ना आप कोई वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता. बट जब एकता मैम ने वो रिस्क लिया, चैनल स्टार प्लस ने वो रिस्क लिया मेरे साथ, और नाउ दे से कि यू नो देख मीका तेरा इमेज हमने तोड़ दिया, तो कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि यूज्ड टू बी नेगेटिव रोल्स रियली. अब क्योंकि पॉजिटिव स्पेस में आई हूँ तो लीड का सपना देखने का हक है मुझे. पहले तो हक भी नहीं था और पोजीशन भी नहीं थी, अब थोड़ी सी पोजीशन है और 2 साल अगर शो और चल जाए अच्छे से, विच एम श्योर चलेगा, तो शायद मैं हक से एक लीड का ऑडिशन दे पाऊंगी. मतलब मैं उन एक्ट्रेसेस में से नहीं हूँ कि मतलब सपने देखते रहो और फिर कुछ होता नहीं तो डिप्रेशन में बैठ जाओ. मतलब इतने वर्सेटाइल एक्ट्रेस हो, पॉजिटिव कैरेक्टर भी निभा लिया, नेगेटिव कैरेक्टर भी निभा लिया, उसके अलावा आपने मॉडलिंग भी कर ली, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2004 जीत भी लिया, इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर दिया इन 2004 मिस इंटरनेशनल. तो बचपन में सारी चीजें सोची थी कि मॉडलिंग करूंगी देन एक्टिंग करूंगी, बचपन से एंबिशन था? एक्चुअली बचपन में मैं स्कूल की सबसे बुरी दिखने वाली बच्ची थी. नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं अभी बोलता हूँ. मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, आपके चैनल को फोटो दिखाऊंगी. मैं इतने मोटे चश्मे थे, पढ़ाकू थी, स्कूल में फर्स्ट आई थी केमिस्ट्री और अकाउंट्स में, और साइंटिस्ट बनना चाहती थी, IAS बनना चाहती थी. तो पढ़ाई करी थी क्योंकि वो साउथ इंडियन जीन्स मेरे खून में है, तो पढ़ाई तो करना ही था. और जब मेरे फादर ने कहा पागल पढ़ाई करी सर्विस करी, नहीं नहीं पंजाबी बिजनेस बिजनेस, और मम्मी वहाँ पे, मेरी मॉम साउथ इंडियन है फादर पंजाबी है, तो मम्मी कहती थी सर्विस जॉब, पापा कहते थे बिजनेस. मैंने कहा तुम दोनों जॉब हो जाओ, मुझे जो करना है मैं करूँगी. बट तब क्या होता था, स्कूल में सब मुझे अगली डकलिंग बुलाते थे, काफ़ी बुलिंग होती थी. आई वॉज फ्रॉम अ वेरी बिग स्कूल, बॉम्बे स्कॉटिश, बॉम्बे का नंबर वन स्कूल है, इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में से. बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत बुलिंग होती थी लुक्स को लेके. आई वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, बट लोग आपकी बाहरी खूबसूरती को ही ध्यान देते हैं. तो पता नहीं क्या हुआ, 15-16 साल की हुई, रोने लगी, एक लड़के पर क्रश हुआ, उसने भाव नहीं दिया. I don't know that's allowed to be said on your television, but no, yeah. No, it's a युवा channel, युवा नाम है, बिल्कुल friendly, आप जो कहना चाहती हो को, no problem. I think वो जो मेरा heart break हुआ था, मेरे father ने notice किया, उन्होंने कहा क्या बात है. मैंने कहा daddy I am not pretty. तो he said किसने बोला. मैंने कहा उसने मुझे reject कर दिया. कहता है ठीक है चल. तो उन्होंने मुझे एक parlor लेके गए बिना मम्मी को बताए, मेरा lenses करवाए, मेरे braces निकलवाए और मेरे बाल color करवाए. मैं 15 साल की थी. उन्होंने कहा अब अपने आप को देख तो कितनी खूबसूरत है. तो मैंने कहा हाँ मैं भी अच्छी लग सकती हूँ. तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि अगर मैं अच्छी लग सकती हूँ तो आप भी लग सकते हो. वैसे आपको अलविदा कहने की इच्छा नहीं हो रही है, बट जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, अब टाइम आ गया है कि आपकी तरफ से उन सबके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज, बिकॉज ये है मोहब्बतें में भी आप जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं उसने कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक वायलेशंस होते हैं, जो आप देखते हैं, जो हर घर में आज तक हर तीसरे घर में देखने को मिलती है, लेकिन हर कोई चुप रह जाता, कोई उसके लिए एक स्टैंड नहीं लेता, आपने वो लिया है. तो आपकी तरफ से सारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज जाता है? मैं आप सबसे कहूँगी कि जब मैं इस शो में डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही थी, तो क्या होता है ना, जब आप रोज़ 12 घंटे एक्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है. तो जिस दिन मैंने शो में ये वचन लिया कि आई विल फाइट इट, तो आई थिंक पर्सनली एक जर्नी थी मेरे लिए. और मैंने कहा कि यू नो मुझे पता है मैं रियल लाइफ में कभी फेस नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोई फेस कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगी, और अगर मेरे साथ हो तो मैं लड़की को चमाट मार के छोड़ दूँगी. नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए जिससे पहले मुझे चमाट मारे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू. थैंक यू सो मच. सो मेरे साथ ही मिहिका वर्मा ऑन द स्टार कास्ट ऑफ नन अदर देन ये है मोहब्बतें, जो कि स्टार प्लस पर सीरियल ऑन एयर किया जाता है. एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इस पूरी सीरियल के बारे में कि मॉडर्न थिंकिंग के ऊपर ये पूरा जो सीरियल है बनाया गया है. लाइक जो आप देखते हैं कि एक सास है जो कि खड़ूस एक बहू है जिसको वो परेशान करती रहती है, उस प्रकार का ये जो डेली सोप है उस प्रकार का नहीं है. जितना हो सके इसमें मॉडर्नाइजेशन, जितना हो सके ऑर्डिनरी चीज़ों से मिलाकर इस शो को बनाया गया है, तो दैट्स रियली गुड थिंग. लेकिन मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे शोज लेके आता हूँ, फीडबैक कब दोगे? फटाफट से मुझे फीडबैक दो ऑन feedbackyuva@gmail.com पर कि आपको आज का ये मेरा सलब मीट का सेगमेंट कैसा लगा. अगर आपको हमें कहीं पर फॉलो करना है तो सीधे जाना यूट्यूब पर, बस वहाँ पर आपको टाइप करना है एक कीवर्ड, दैट इज hatwebtvyuva, और जितने भी शोज हैं सब आपके सामने आ जाएंगे, आप उन्हें इन्जॉय कर सकते हैं. नहीं नहीं अभी नहीं जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसे कैसे भूल सकते हो, फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है HBTVYUVA, बस आप जाएं, उसको आपको क्लिक करना है, लाइक करना है और दूसरों को इनवाइट करना है ताकि वो भी उसे लाइक करें. और हाँ अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम आ गया है. सो ऑन दिस नोट दिस इज योर विजय कुशाग्रे साइनिंग आउट विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा. टिल देन कीप वॉचिंग HatwebTVYUVA, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का.